बॉबी देओल को दोबारा से स्टार बनाने वाला शो आश्रम, इसका सीजन 3 आ चुका है और इसके सीजन 3 के बड़े मिले जुले रिव्यूज मेरे पास आ रहे हैं। जो रिव्यूज आ रहे हैं उनमें क्या कहा गया मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एमएक्स प्लेयर पर आप इसे देख सकते हैं और इसके 10 एपिसोड हैं। कहा यह जा रहा है कि आश्रम 3 की कहानी शुरू होती है पम्मी के विद्रोह से, जहां पर वो बाबा निराला के धाम से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन इसके पीछे भूपा और उसके गुंडे अभी भी पड़े हुए हैं और इसी वजह से वो शहर भर में छुपती रहती है। पम्मी अपनी आवाज भी उठाती है, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि बाबा निराला इस बार और भी शक्तिशाली है और वो सरकार भी चलाता है, उसके चेले उसके साथ हैं और वो पूरी तरह से निर्भीक है। बाबा निराला बने बॉबी देओल इस सीरीज में पहले की तरह ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, यही रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उनका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से उन्होंने अब ओढ़ लिया है क्योंकि 2 सीजन हो चुके हैं, 3रा सीजन है, तो ऐसा लग रहा है कि वो समझ चुके हैं कि कैरेक्टर क्या है। बाबा के सहयोगी बने भोपा यानी चंदन राय सान्याल भी अपने किरदार को बड़ी मजबूती से निभा रहे हैं। पम्मी के रोल में अदिति ने भी एक ठीक ठाक काम किया है और इस सीजन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है सोनिया की, जिसे ईशा गुप्ता निभा रहे हैं। राइटिंग और डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये जो सीरीज है आश्रम 3, इसे 5 लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीजन बहुत लंबा खिंच गया है। कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता था, ऐसा लग रहा है कि गिनती 10 पूरी करनी है, 10 एपिसोड करने हैं, इसलिए उनको रखा गया है। डायरेक्शन के लिहाज से अगर बात करें तो प्रकाश झा जैसा काम करते रहे वैसा ही है, कोई बहुत कमाल नहीं है और बिलो एवरेज भी नहीं है, लेकिन बाबा की लेविश लाइफ को उन्होंने स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाया है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर आपने इसके 2 सीजन पहले देख रखे हैं तब भी आप, हो सकता है ये 10ों एपिसोड एक साथ ना देख पाए, जैसा कि मैंने बताया कि लंबे खिंच गए हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीद थी वैसा मजा नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि आश्रम का सीजन 3 आया तो, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, इसके बारे में बातें हो रही थी और एक हद तक बॉबी देओल के करियर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि ये सीजन आता, क्योंकि बॉबी देओल का जो करियर है वो इसी से रिवाइव हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि ये थोड़ा सा उबाऊ हो गया है, लोगों को उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जो लोग बड़े हार्डकोर फैन बन गए थे पहले सीजन में और 2रे सीजन में, वो भी ये कह रहे हैं कि उतना मज़ेदार नहीं है। ये रिव्यू मैं कई लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ, जैसी मेरी ज़्यादातर लोगों से बात हुई जिन्होंने 2 सीजन देखे थे, फिर 3रा देखा और उन्होंने कंपेयर किया, तो उनका ये कहना था कि अगर आपको एक पूरा करना है कि हाँ आपको 3rd सीजन देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको देख कर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आप अपने रिस्क पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर मत देखिएगा।